हेलो एवरीवन, माय सेल्फ खुशी। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑफशोर बैंकिंग सेंटर्स, मतलब कि ऑफशोर बैंकिंग होता क्या है। तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग का एक टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट हम करते हैं ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम बुक से बाद में करेंगे, पहले हम ये समझते हैं अपनी तरफ से हमारी लैंग्वेज में कि ऑफशोर बैंकिंग होता क्या है। देखो, ऑफशोर बैंकिंग जो होता है वो ऑफशोर बैंक, सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफशोर बैंक कर रहे हैं कि वो बैंक जो हमारी कंट्री में सिचुएटेड नहीं होते, मतलब कि वो ऑफशोर बैंक जो हमारी कंट्री में ना होकर किसी दूसरी कंट्री में होते हैं, किसी अनदर कंट्री में होते हैं, और जो एक पर्सन होता है उसकी रेजिडेंसी जो रेजिडेंटल कंट्री होती है उससे बाहर होते हैं, ऐसे बैंक्स को ऑफशोर बैंक बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें तो स्विट्जरलैंड में एक स्विस बैंक है जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो वो जो स्विस बैंक है वो हमारी कंट्री में ना होकर किसी अनदर कंट्री में होता है और यही ऑफशोर बैंकिंग कहलाता है। और जो ये डिपॉजिटर्स होते हैं, जो बैंक होल्डर होते हैं, उनकी कंट्री में ना होकर किसी अनदर कंट्री में होता है, उसे हम ऑफशोर बैंकिंग बोलते हैं, ऑफशोर बैंक बोलते हैं। सबसे फर्स्ट हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि बैंक और बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। बैंक मतलब कि जो हमारे बैंक है, बैंक मतलब हमारा होता है कि उद्यम जो होता है वो बैंक होता है। लेकिन जो बैंकिंग होता है, मतलब कि जो बैंक की सर्विसेज हैं, जो एक्टिविटी है, उसे बैंकिंग बोला जाता है। ठीक है, बैंक मतलब बैंक और बैंकिंग मतलब बैंक की एक्टिविटीज। ठीक है, और जो स्विट्जरलैंड का जो स्विस बैंक है वो हमारा ऑफशोर बैंक है। इसमें सबसे फर्स्ट जो हमें फ़ायदा मिलता है वो यही है कि हमें कम से कम टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब मिनिमम टैक्सेशन बोलते हैं या नो टैक्सेशन बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ टैक्स। मतलब कि ऑफशोर बैंकिंग में जो डिपॉजिटर्स हैं, टैक्स जो उनको टैक्स पेमेंट करनी पड़ती है उस पर टैक्स की जो रेट होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसे लोअर टैक्स भी बोला जाता है। मतलब कि टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिलती है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफशोर बैंक का। सेकंड एडवांटेज क्या है कि जो डिफरेंट करेंसीज होती हैं वो डिपॉजिट की जाती हैं इनटू द ऑफशोर बैंक्स। मतलब कि जो ऑफशोर बैंक है उसमें जो अलग अलग करेंसीज हैं, जैसे कि डॉलर, पौंड, यूरो, ये सारी जो करेंसीज हैं उनको डिपॉजिट किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इंडियन करेंसी जो रुपी है उसे जो ऑफशोर बैंकिंग में जमा नहीं करवाया जाता, डिपॉजिट नहीं करवाया जाता। जो थर्ड एडवांटेज है वो क्या है कि हाईएस्ट प्राइवेसी, मतलब कि यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी है हर पर्सन की, हर पर्सन को राइट है कि उसकी जो भी डिटेल है, जो उसकी अकाउंट की डिटेल है, वो किसी भी पर्सन को, किसी भी गवर्नमेंट को, इवन कि किसी गवर्नमेंट को भी, उनकी कंट्री की गवर्नमेंट को भी उनकी डिटेल नहीं दी जाती कि आपके जो पर्सन है, आपकी कंट्री का एक ये पर्सन है, यहाँ इसने हमारे ऑफशोर अकाउंट में कितने पैसे डाले हैं, कैसे डाले हैं, कब डाले हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ की कंट्री के गवर्नमेंट को भी नहीं दी जाती। और साथ ही साथ क्या किया जाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उनके अकाउंट होल्डर की या डिपॉजिटर्स की, तो उनकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कोडिंग करके, मतलब कि एक कोड दे दिया जाता है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को, ताकि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, जो उनकी डिटेल्स हैं, वो लीक ना हो किसी भी पर्सन को, तो कोड दे दिया जाता है उनको। नेक्स्ट एडवांटेज है कि जो हमारी सर्विसेज हैं उसकी चार्जेस आर कंपैरेटिवली लेस फ्रॉम द अदर कंट्रीज। जो हमारी आवर कंट्री है या कोई और अनदर कंट्री है उससे जो हमारी चार्जेस, सर्विस चार्जेस होंगे, वो ऑफशोर बैंक के बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में आप ले लो कि 100 रुपये जैसे कि हमने जमा करवाए हैं हमारी कंट्री में अगर हमने 100 रुपये जमा करवाए हैं तो उसके रिटर्न में हमें 5 रुपये काट लिए जाते हैं, हमारी एज अ इंटरेस्ट काट लिए जाते हैं जमा जब हम करवाते हैं, तो एज अ सर्विस चार्जेस जिसे हम बोलते हैं। तो लेकिन जब हम ऑफशोर बैंकिंग में जाएंगे तो हमारे 100 रुपये पर 1 रुपये काटा जाता है। हम एज अ एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारी कंट्री में अगर हमने 100 रुपये जमा करवाए तो उसमें से 5 रुपये लगभग काट लिए जाते हैं, अबाउट मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ। तो 100 रुपये अगर हम किसी और ऑफशोर बैंक में जमा करवाते हैं तो उसके बदले में हमारे सिर्फ 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ या हम लिख सकते हैं 3 रुपीज़ तक ही काटे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं काटे जाते। ये सर्विसेज जो है, यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी सर्विस चार्जेस हैं वो कंपेरेटिवली लेस हैं हमारी कंट्री से सर्विसेज चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी एडवांटेज है वो क्या है कि ऑल्सो रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटर्स, मतलब कि जो हम डिपॉजिट्स करवाते हैं, जो भी हम कुछ पैसा जमा करवा रहे हैं, तो उस पे हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, हमारे खुद के बैंक्स में भी मिलता है और ऑफशोर बैंक में भी अगर हम जमा करवाते हैं तो हमें मिलता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम लोकल पॉलिटिकल्स एंड द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। लोकल पॉलिटिकल्स हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल्स हैं, एंड द
इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मतलब कि जो आर्थिक अस्थिरता है उसमें प्रोटेक्शन हमें मिलती है, सुरक्षा मिलती है, कैसे कि जो हमारी कंट्री में अगर कभी भी कोई क्राइसिस आ जाए, कोई भी मंदी आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, हमारी इकोनॉमी में बहुत ही इंस्टेबिलिटीज आती रहती हैं, कोई भी युद्ध हो जाए, कोई क्राइसिस हो जाए, ठीक है, या फिर हमारे ऊपर कोई भी अटैक कर दे, कोई भी अनदर कंट्री हमारी कंट्री पर अटैक कर दे, तो क्या किया जाता है, हमारे जो इंडियन लगा लो या कोई भी अदर कंट्री में कोई भी जो अकाउंट होते हैं, अकाउंट से पैसे को निकलवा लिया जाता है, विड्रॉ कर लिया जाता है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो अकाउंट से पैसों को विड्रॉ करवा लिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑफशोर बैंक्स हैं उस वहां से पैसों को नहीं निकलवाया जाता, जो वहां पर पैसे जमा हैं वो बिल्कुल सिक्योर हैं, डिपॉजिट जो करवा रखे हैं लोगों ने, पैसे जो डिपॉजिट करवाए हैं ऑफशोर बैंकिंग में वो बिल्कुल ही सिक्योर हैं। और साथ ही साथ सिर्फ पैसे ही नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर कुछ भी है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ है तो वो क्या है, वहां पर बिल्कुल सिक्योर है, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो ऑफशोर बैंक है वो प्रोवाइड करता है लोन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि जो हमारे जो दूसरे देशों के साथ हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी ऑफशोर बैंकिंग लोन प्रोवाइड करता है कि हाँ आप फ्रीली आप किसी भी देश के साथ आप ट्रेड करो, इस चीज़ के लिए आपको पूरे लोन प्रोवाइड करवाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या कि एट अ मिनिमम रेट, बिल्कुल ही कम, जीरो रेट पर आपको, बहुत ही कम रेट्स पर, बिल्कुल लोअर रेट पर आपको जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो बिल्कुल ही कम होगी। इसी के साथ साथ हम एक और एडवांटेज लिख सकते हैं कि इनकरेज टू इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि लोन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देता है, इनकरेज करता है। कुछ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं या फाइनेंशियल एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं जो ऑफशोर बैंकिंग देता है। सबसे फर्स्ट कि वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है एंड लोन एंड क्रेडिट की फैसिलिटी देता है, डिपॉजिट लेता है और लोन क्या है लोगों को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ द फंड एंड मनी, मनी और फंड को ट्रांसफर करता है किसको, टू एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में वेयर जहां पर डेफिशिट ऑफ मनी, जहां पर मनी की कमी है, जहां पर फंड की कमी है, वहां पर फंड को मनी को ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि थ्रू मोबाइल और एनी कंप्यूटर सर्विसेज, जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड, ये जो हमारे मनी पे होते हैं, गूगल पे है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मनी को ट्रांसफर किया जाता है, फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो ऑफशोर बैंक है वो प्रोवाइड करता है फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी, जो फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज होती हैं वो उसको ऑफशोर बैंकिंग प्रोवाइड करता है, बिकॉज वी हैव द नीड ऑफ फॉरेन करेंसी, हमें ज़रूरत होती है फॉरेन करेंसी की जब हम ट्रेड करते हैं अनदर कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, इसलिए जो ऑफशोर बैंकिंग होती है वो फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कि इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसको इशू करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं पब्लिक को, जो उनके डिपॉजिटर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं उनको। नेक्स्ट जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारी कंट्री भी देती है, कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो हमारी कंट्री देती है वो अनदर कंट्री भी देती है, जैसे कि जो है इशू ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड जो ऑफशोर बैंकिंग है वो इशू करती है, हमारी कंट्री भी करती है। इजी एक्सेस टू डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो बहुत इजीली अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, डिपॉजिट बहुत इजीली करवा सकते हैं, इसमें बहुत ही कम रेगुलेशंस होते हैं, लेस रेगुलेशन हम जिसे बोल सकते हैं, रूल रेगुलेशन बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड द लॉकर फैसिलिटी, जो ऑफशोर बैंकिंग होते हैं वो साथ ही साथ लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या होता है कि हमारी कंट्री में अगर अकाउंट होगा तो गवर्नमेंट पूरा इंटरफेयर करेगी कि किस पर्सन के पास कितनी मनी पड़ी है, कब जमा करवाई, कितने अमाउंट में करवाई, कितनी बार करवाई, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट भी ये देखना चाहती है कि लोगों के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, कहीं जो लोग हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं लोग कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे जो हमारी लीगल एक्टिविटीज़ को लीगल एक्टिविटीज हमारी खराब हों, जैसे कि करप्शन तो नहीं ले रहे हैं किसी से, किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया, कहीं से पैसे इन जगहों से तो नहीं आ रहे हैं जो लीगली नहीं है, कुछ इन इलीगल
वर्क करके पैसे तो नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट जो होता है, जो हमारे ऑफशोर बैंक्स होते हैं, वहां पर हमारी पूरी सिक्रेसी रखी जाती है, हर एक चीज की सिक्रेसी रखी जाती है और गवर्नमेंट को इसके बारे में नहीं बताया जाता, इसलिए नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब कि ऑफशोर बैंक में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऑफशोर बैंक नेक्स्ट हम करते हैं कि ऑफशोर बैंक जो है वो इंक्रीज करता है कंपटीशन। कंपटीशन कैसे इंक्रीज करता है, हमने पहले ही कहा कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। जब इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देगा तो वो क्या करेगा, लोन भी दे रहा है। ऑफशोर बैंकिंग लोन भी प्रोवाइड कर रही है कि आप फ्रीली करो, हैवी अमाउंट में लोन दे रही है, कम से कम रेट पे दे रही है, और वो क्या कहती है कि आप फ्रीली ट्रेड करो, फुल ट्रेड करो, पूरा कंपटीशन करो और क्या है, हमारी इकोनॉमी को बढ़ा दो। इसीलिए क्या है, ये बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं ऑफशोर बैंकिंग की। तो हमने अब तक जो किया वो हमने हमारे नोट्स से किया, हमारे माइंड से किया, और अब जो हम करेंगे वो बुक है हमारी, बुक से करेंगे। तो बुक क्या कहती है हमारी, हमारी बुक क्या कह रही है कि ऑफशोर बैंक्स इज अ बैंक, वो बैंक हैं जो लोकेटेड आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ इट्स डिपॉजिटर्स, मतलब कि जो डिपॉजिटर की रेजिडेंस, मतलब कि जहां पर डिपॉजिट्स रहते हैं, जहां पर वो लोग रह रहे हैं जिन्होंने अकाउंट खुलवाया है, तो उनकी कंट्री से बाहर की जो कंट्री होगी उसे क्या बोलेंगे, ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखो, जो इंडियन है एक पर्सन, वो रह रहा है इंडिया में, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में रह रहा है, और हम स्विट्जरलैंड ही ले लेते हैं, स्विस बैंक जिसे हम बोलते हैं, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जो स्विस बैंक है, यहां पर क्या करता है, एक इंडियन पर्सन जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाता है और इसी को हम ऑफशोर बैंक बोलते हैं। ठीक है, ऑफशोर बैंक वो बैंक जो हमारी कंट्री में ना होकर किसी अनदर कंट्री में होता है, उसे हम ऑफशोर बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, वो एक्टिविटीज जो ऑफशोर बैंक प्रोवाइड करवा रहा है वो ऑफशोर बैंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि विद द मोस्ट ऑफ अकाउंट होल्डर बीइंग नॉन सिटीजन ऑफ द ज्यूरिडिक्शन, मतलब कि इस एरिया के जो नॉन रेजिडेंट होंगे वही इसके अकाउंट होल्डर होंगे, जो इस कंट्री के नॉन रेजिडेंट होंगे, जो स्विट्जरलैंड के नॉन रेजिडेंट होंगे वही इस बैंक के अकाउंट होल्डर होंगे, क्योंकि वो इस कंट्री के नहीं रहने वाले होंगे। ठीक है, द अकाउंट, नेक्स्ट क्या कहता है कि एन अकाउंट हेल्ड इन अ फॉरेन अकाउंट, जो अकाउंट होगा वो फॉरेन अकाउंट कहलाएगा, और क्या कहते हैं कि इसमें जो स्पेशली टैक्स हेवन कंट्रीज में ये जो अकाउंट्स फॉरेन बैंक्स होते हैं, जो ये हमारे ऑफशोर बैंक्स होते हैं, वो टैक्स हेवन कंट्रीज में होते हैं, मतलब कि वो कंट्रीज जहां पर टैक्स में छूट दी जाती है, और इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन ऑफशोर अकाउंट, उसे ऑफशोर अकाउंट बोलते हैं। टिपिकली एन इंडिविजुअल और अ कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक सिंपल, एक अकेला व्यक्ति और एक कंपनी विल मेंटेन द ऑफशोर अकाउंट इन अ लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन, मतलब कि जहां पर टैक्स कम लगता है वहां पर ओपन करवा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने ऑफशोर बैंक अकाउंट को। देन प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड लीगल एडवांटेजेस, हमें बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एंड लीगल, हम इसके बारे में पहले कर चुके हैं, सच एज ग्रेटर प्राइवेसी, हमें बहुत अच्छी प्राइवेसी मिलती है, हमारी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाती। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लिटल और नो टैक्सेशन, हमें टैक्सेशन भी प्रोवाइड, हमें टैक्सेशन भी बहुत कम, लिटल बिल्कुल लो टैक्स हमें पे करना पड़ता है। इजी एक्सेस टू डिपॉजिटर एट लीस्ट इन टर्म ऑफ रेगुलेशन, हमारे पास रेगुलेशंस कम में हम डिपॉजिट्स कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं हमें लीगल, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी से हमें जो आर्थिक अस्थिरता है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है, पॉलिटिकल से, लोकल से, इन सारी चीज़ों से हमें क्या है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है वो एक शेल ब्रांच है, वो एक शेल ब्रांच है लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जो इंटरनेशनली मतलब कि पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड जो सेंटर है उसकी एक शेल ब्रांच है क्या, ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो है वो मेक लोन्स देती है यूरो करेंसी में मार्केट, व्हेन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। क्या कहता है कि जब ये एक्सेप्ट कर लेता है, जो ऑफशोर बैंक है वो डिपॉजिट्स ले लेता है फॉरेन बैंक से और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स में, जब उसके पास पैसे आ जाते हैं, वो डिपॉजिट्स ले देता है, तब ही जब उसके पास पैसे आ जाएंगे उसके बाद ही वो क्या करता है, लोन देता है लोगों को यूरो करेंसी मार्केट में। ठीक है, जो OBUS है, मतलब कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स, हमने अभी यहीं पे किया, जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट OBUS जिसे हम इन शॉर्ट आगे बोलेंगे, तो क्या कहता है, वो एक्टिविटीज हैं आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड
बाय लोकल मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डोमेस्टिक डिपॉजिट्स। जो हमारी डोमेस्टिक डिपॉजिट्स हैं उनको मना करता है कि वो नहीं लेंगे, जैसे कि हमारी इंडियन करेंसी रुपी है उसको वो नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो मैनी ऑफ दीज ब्रांचेज, इसकी जो बहुत सी ब्रांचेज हैं वो कहाँ हैं, लोकेटेड इन बहामास एंड क्लेमन आइलैंड। यहाँ पर जो बहुत सारी ब्रांचेज हैं वो सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट हम जो लिख सकते हैं, मैंने बनाया अपने तरीके से कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर अगर हम इंट्रोडक्शन लिखे तो हमें ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा कुछ सेम ही है। क्या कहता है कि एन ऑफशोर बैंकिंग वो बैंक है जो जनरली लोकेटेड होता है आउटसाइड द करंट कंट्री में, हमारी कंट्री में ना होकर कहीं बाहर की कंट्री में लोकेटेड होता है, कहाँ की, जहाँ पर जो डिपॉजिटर्स हैं वहाँ वो रहते हैं, उनकी कंट्री से बाहर की कंट्री में जो लोकेटेड हो उसे ऑफशोर बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, वेयर मोस्ट ऑफ द होल्डर ऑफ द अकाउंट इज नॉन रेजिडेंट, जो जुरिडिक्शन से नॉन रेजिडेंट होते हैं होल्डर, जो अकाउंट होल्डर होते हैं वो, और यहाँ पर यूजली टैक्स हेवन कंट्री होती है, उसे ऑफशोर बैंक अकाउंट बोलते हैं। कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट मेंटेन कर सकता है लो टैक्स जुरिडिक्शन में, और साथ ही साथ उसे फैसिलिटी मिलती है, लीगल एडवांटेज मिलती है, प्राइवेसी, अच्छी प्राइवेसी मिलती है, गुड प्राइवेसी मिलती है, लीगल और नो टैक्सेशन बहुत ही कम टैक्सेशन पे मिलती है, एंड गुड इजी एक्सेस है, लीगल लोकल पॉलिटिकल फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी। हम पहले सारा कुछ कर चुके हैं, ये सेम वही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड कैपिटल फ्लो, मतलब फ्लो होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो तो होते हैं, मतलब कि पैसे का आना या पैसे का जाना, तो जो कैपिटल है वर्ल्ड की, कैपिटल का फ्लो, पैसे का आना या पैसे का जाना ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट में होता है एंड बैंक से होता है हाफ, मतलब कि आधा काम तो ऑफशोर बैंकिंग के ही कैपिटल का फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। जो टैक्स ज्यूरिडिक्शन है वो 1.2 है वर्ल्ड पॉपुलेशन का एंड होल्ड 26% ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ इंक्लूडिंग 31% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द मल्टी नेशनल्स, मतलब कि जो मल्टी नेशनल्स हैं उसका 31% है नेट प्रॉफिट का, और वर्ल्ड हेल्थ का 26% है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1.2% है। जो अमंग ऑफशोर बैंक है उसमें क्या कहता है कि जो स्विस बैंक है उसमें एस्टिमेटेड 35% जो वर्ल्ड प्राइवेट है, और इंस्टीट्यूशनल जो क्लेमन आइलैंड है वो 50th लार्जेस्ट बैंकिंग सेंटर है पूरे पूरे ग्लोबली, मतलब कि पूरे हमारी इंटरनेशनली 50th नंबर पर है। नेक्स्ट हमारा मीनिंग है कि मीनिंग क्या ऑफशोर बैंकिंग का, तो ऑफशोर बैंकिंग का वही मीनिंग है कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी कंट्री में ना होकर किसी अनदर कंट्री में होती है, ऐसे बैंक्स जो हमारी कंट्री में ना होकर किसी अनदर बैंकिंग किसी और कंट्री में होते हैं, हमारे फॉरेन कंट्री में होती हैं, और ऐसे बैंक्स को ही ऑफशोर बैंक बोला जाता है, और उनकी जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बैंकिंग बोला जाता है, ऑफशोर बैंकिंग बोला जाता है। जैसे कि रिडक्शन ऑफ टैक्स है, हमें टैक्स बहुत कम होता है, प्राइवेसी, फुल प्राइवेसी मिलती है, इंटरेस्ट देते हैं डिपॉजिट्स में, और जो सर्विसेज चार्जेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं, प्रोटेक्शन मिलती है हमें लोकल पब्लिक एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज़ में। नेक्स्ट क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द ऑफशोर बैंकिंग जो है वो आइलैंड में सिचुएटेड हैं, और साथ ही जो ऑफशोर बैंकिंग है वो हर टाइप की करेंसी को, हर टाइप के डिपॉजिट्स को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरो करेंसी लोन एंड बट, लेकिन वो क्या करते हैं कि जहाँ जिस कंट्री में वो ऑफशोर बैंकिंग सिचुएटेड है वो उस कंट्री की करेंसी को नहीं लेते, क्योंकि उनके पास वो नॉर्मली करेंसी होती है, और साथ ही साथ वो रुपी को भी नहीं लेते, इंडियन करेंसी को भी नहीं लेते। इसका रीज़न ये है कि जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, उसकी वैल्यू नहीं है, यूरो करेंसी की वैल्यू बहुत अपर है, उसके बाद जो डॉलर हैं, पौंड हैं, उनको भी वो लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो फीचर ऑफ ऑफशोर बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग के फीचर्स क्या हैं, सबसे फर्स्ट लोकल कैपिटल रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करती है, फुलफिल्ड मतलब कि जो हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, हमें ट्रेड करने के लिए या हमें कोई व्यापार करना है या कुछ भी करना है, हमें लोन की ज़रूरत है, वो हमें हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा ज़रूर करेंगे। लाइसेंस, हमें किसी भी काम को करने के लिए लाइसेंस या फिर फीस जो हमें देनी पड़ेगी उन लोगों को, तो वो रिलेटिवली बहुत ही कम है। जो एंट्री है वो बहुत ही ईजी हो जाती है, मतलब कि बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें अगर हमारे अकाउंट को खुलवाना है, हमें डिपॉजिट्स
करवाना है तो बहुत ही ईजिली हो जाती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस रूल रेगुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो जो टैक्स है वो हमने कह दिया कि टैक्स आर नॉट एग्जिस्ट बिल्कुल न के बराबर है, मतलब टैक्स तो बिल्कुल नो टैक्सेशन है, लो टैक्सेशन नो टैक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है रीज़न फॉर ऑफशोर बैंक अकाउंट, मतलब कि रीज़न क्या है कि ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें चाहिए क्यों, रीज़न क्या है कि हम ऑफशोर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, मतलब क्यों खुलवाएंगे, क्योंकि ऑफशोर बैंकिंग की बहुत सारी ऐसी एडवांटेजेस होंगी, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो वो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसीलिए ही हम ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है डिल्यूट द पॉलिटिकल रिस्क, हमने पहले किया कि जो हमारे पॉलिटिकल रिस्क है वो कम हो जाता है इससे। पॉलिटिकल रिस्क कैसे कम होगा, क्योंकि जो हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट है ना, वो अगर हमारी कंट्री पे कोई भी क्राइसिस आती है, हमारी कंट्री क्राइसिस में है, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी और कंट्री के साथ, हमारा युद्ध चल रहा है, कोई मंदी आ गई है, उतार चढ़ाव आ गया हमारी कंट्री में, तो हमारी जो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है, जो हमारे पॉलिटिकल्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारे बैंक से पैसा निकलवा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट की, तो वहाँ की जो डिटेल नहीं दी जाती किसी भी बैंकिंग किसी भी गवर्नमेंट को, हमारी अकाउंट की डिटेल नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा होता है वो बिल्कुल सिक्योर रहता है और हमें रिस्क नहीं होता। जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा आगे से मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि साउंडर, मतलब कि बहुत ही अच्छा एक साउंडर बैंकिंग सिस्टम और बैंक्स, मतलब कि जो बैंक्स हैं या बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही साउंड है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, इसमें किसी भी कस्टमर के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं किया जाता, और किसी भी मतलब कोई भी हमारी जो एसेट्स हैं या कोई भी हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है वहाँ पर, ठीक है। बैंक्स की जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, सिस्टम बहुत ही अच्छा है, तो साउंडर का मतलब ये है। और जो क्या कहते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो फंडामेंटली बहुत अनसाउंड हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो हमारी ये जो प्रॉमिस करता है कि जो इंसॉल्वेंट गवर्नमेंट्स हैं उनके कब्जे से उन्हें बचा कर रखेगा, कि मतलब जो इंसॉल्वेंट गवर्नमेंट्स हैं वो आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके पैसों पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एसेट प्रोटेक्शन, हमारी जो एसेट्स हैं, जो हमारा पैसा है, वो पूरा प्रोटेक्ट रहेगा, किसी भी गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, आगे करेंसी है, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, इसमें क्या करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम डिवर्सिफाई कर सकते हैं अपने रिस्क को इन द पोर्टफोलियो, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम अपने परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं, कुछ सेविंग्स को बचा के रख सकते हैं हम अपने हमारे पास ही। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो यहाँ पर आगे पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट क्या कहता है कि हायर इंटरेस्ट रेट फॉर द डिपॉजिट्स, जब भी हम कोई डिपॉजिट्स करवाते हैं तो यहाँ पर बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया जाता है, हमने पैसे जमा करवाए और हमें क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एक्सेस टू मेडिकल केयर अब्रॉड, यहाँ पर है इंश्योर, वो आगे है इंश्योर, इंश्योर करते हैं कि जो मेडिकल केयर जो फॉरन में हमें एक्सेस हो जाएगी, बहुत ही ईजिली एक्सेस हो जाएगी, इंश्योर करते हैं ये चीज़ अपने को। और जो एडवांटेजेस दे रखी हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे ऑफशोर बैंकिंग की, तो मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही सबसे फर्स्ट मैंने मीनिंग और फिर आपको एडवांटेजेस ही बताई थी, जिसको मैं शॉर्ट में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने पॉइंट्स नहीं दिए हैं, लेकिन आप पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी जुरिडिक्शन है, कि आपको जो सुरक्षा मिलती है राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से, कोई भी क्राइसिस आ जाए, कोई मंदी आ जाए, उतार चढ़ाव आ जाए, कोई अटैक कर दे कोई कंट्री आप पर, तो आपको किस पैसे के लिए आप सिक्योर हैं, आपको जो भी प्रॉपर्टी है, आपके पैसे हैं, वो आपके ऑफशोर बैंकिंग में डिपॉजिट्स हैं, जो वो बिल्कुल सिक्योर हैं। नेक्स्ट क्या है कि लोअर कॉस्ट होगी एंड नेक्स्ट हायर इंटरेस्ट रेट है, लैक ऑफ गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस बहुत ही कम होंगे, ऐसे पॉइंट्स इनमें से ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही ढूंढ के करवा दिए हैं। क्या क्या पॉइंट्स थे, सबसे फर्स्ट रिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स बहुत कम होगा, मिनिमम टैक्स, लिटल टैक्स, नो टैक्स, नो टैक्सेशन और लो टैक्सेशन बोला जाता है, नो टैक्सेशन, लो टैक्सेशन। नेक्स्ट जो है वो है कि डिफरेंट करेंसीज को डिपॉजिट करवाएंगे हम ऑफशोर बैंक्स में, हायर प्राइवेसी होगी, सर्विसेज चार्जेस बहुत कम होती हैं, जो इंटरेस्ट डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट वो भी मिलेगा हमें, एक हाई रेट से हमारे इंटरेस्ट पे डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, और जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे लोकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, पॉलिटिक स्टेबिलिटी से,
ऑफशोर बैंकिंग जो है वो लोन भी प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करती है, डिपॉजिट्स भी करती है, लोन भी प्रोवाइड करती है, फंड और मनी को ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, और लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करती है। गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, और लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करती है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को इशू करती है, हमें लॉकर फैसिलिटी देती है। ये सारे हमारे जो थे वो एडवांटेजेस ही हैं या फैसिलिटीज बोल सकते हैं जो ऑफशोर बैंकिंग हमें देती है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा डिसएडवांटेजेस, मतलब कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमारे ऑफशोर बैंकिंग के। जो ऑफशोर बैंकिंग है उसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो मनी लॉन्ड्रिंग है, कि मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत बढ़ावा मिलता है। मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे बढ़ावा मिलता है, इनकरेज टू मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि जो ब्लैक मनी है वो ऑफशोर बैंकिंग में डिपॉजिट कर सकते हैं हम, हमारी ना गवर्नमेंट हमारे में इंटरफेरेंस करेगी ना कुछ करेगी। तो हम जो पैसा है हमने किसी भी चीज़ से कमाया, हमने चाहे किसी का कत्ल किया, चाहे किसी का कुछ भी किया, हमारे पास पैसे आ गए, ठीक है, हमने चोरी की, डाका मारा, कत्ल किया किसी का, लेकिन हमारे पास क्या है, पैसे आ गए, हम उन पैसों को ऑफशोर बैंकिंग में जमा कर ऑफशोर बैंक्स में जमा करवा देंगे और वहां की कोई भी डिटेल हमारी गवर्नमेंट को नहीं दी जाएगी। तो इसलिए ये ब्लैक मनी को, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ ये इलीगल वर्क्स को भी इनकरेज करता है कि आपके पैसे तो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो ही जाएंगे, आपके पैसे सिक्योर है। तो इससे क्या है कि बहुत से लोगों को इनकरेज मिलता है इलीगल वर्क में, ठीक है, क्राइम में, अपराध को बढ़ावा मिलता है। सरकार से क्या है कि सरकार से छुप जाएगा और टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, तो इससे हो जाता है। और इसकी नेक्स्ट जो है मोर रिस्की भी है, क्योंकि सिक्योर नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योर नॉट फाइनेंशियल सिक्योर्ड, सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो जो लॉस्ट जो सेवर्स होते हैं जिन्होंने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं वो अपनी बहुत सी अमाउंट्स को, ह्यूज अमाउंट को बहुत खो देते हैं वो, क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं अपनी क्राइसिस की वजह से, कि क्राइसिस के टाइम उनसे वो पैसा ले लिया जाएगा। तो इसलिए मोर रिस्की होता है। एंड नेक्स्ट जो है वो क्राइम को बढ़ावा देता है, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट जो है वो रिमोट एंड कॉस्टली भी पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो हमारी कंट्री में होकर किसी और कंट्री में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि ऑफशोर बैंकिंग इज यूजली एसेसिबल टू दूज हायर इनकम, जिनकी इनकम ज्यादा है, जिनकी थोड़ी बहुत इनकम है, जो लोअर इनकम रिलेटेड पर्सन हैं, तो उनके लिए ऑफशोर बैंक तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जो बहुत ही हायर इनकम कमाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कहते हैं बैंक्स आर समटाइम टॉट टू एज सोल्यूशन ऑफ एवरी लीगल फाइनेंशियल एंड एसेट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी एंड सम फॉर एडवांटेज फॉर द इन्वेस्टर, कुछ एडवांटेज के कुछ इन्वेस्टर्स के लिए तो ये अच्छी है, कुछ सोल्यूशन भी देते हैं ये किस चीज़ के, कि लीगल फाइनेंशियल एंड एसेट प्रोटेक्शन के लिए सोल्यूशन देते हैं, लेकिन सम टाइम ये बहुत ही गलत भी साबित होते हैं, क्योंकि ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट की से हम टैक्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि टैक्स कम पे कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री से छुपा कर बाहर भेज रहे हैं, हमारी कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड रह जाएगी इस चीज़ से, क्योंकि वो हम जो पैसा है वो बाहर भेज रहे हैं, अनदर कंट्रीज में भेज रहे हैं, हम टैक्स इवेजन कर रहे हैं, जो हम कैपिटल के साथ फाइट्स कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को लॉस में डाल रहे हैं, रिवेन्यू कम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं। हमारी कंट्री जो है वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड रह जाएगी, जो हमारी इंडियन कंट्री है, इंडिया है, वो डेवलपिंग है, मतलब कि डेवलप्ड की तरफ जा रही है। अगर हम ऐसे ही टैक्स इवेजन करते रहे तो गवर्नमेंट बहुत लॉस में जाएगी, रिवेन्यू नहीं होगी और फाइनेंशियल क्राइसिस को बढ़ावा मिलेगा, इंक्रीज हो जाएगी फाइनेंशियल क्राइसिस, क्राइम बढ़ जाएंगे, टैक्स की जो पॉलिसीज हैं वो भी डगमगा जाएंगी। तो मतलब ये बहुत सारी हमारी क्रिटिसिज्म है, ये बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, कमियां हैं, नुकसान हैं ऑफशोर बैंकिंग की। इसलिए इंडियंस को मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग जो ऑफशोर बैंकिंग है उनमें पैसा जमा ना करवाएं, अपनी इंडिया में करवाएं, टैक्स पे करें, ताकि जो हमारी इंडिया है वो आगे बढ़ सके। तो जो हमारे निष्कर्ष है, जो हमारा कंक्लूजन है, वो यही कहता है कि जो अपतटीय बैंक है, मतलब कि जो ऑफशोर बैंक है उसको हिंदी में अपतटीय बैंक बोलते हैं, मतलब कि जो ऑफशोर बैंकिंग है वो हमारे फायदेमंद साबित हुए हैं। जो ऑफशोर बैंक फायदे के लिए ही है लेकिन हमारी कंट्री के लिए बहुत नुकसान है। आज विश्व में एक जो आज पूरे वर्ल्ड में एक देश अपने व्यापार की दिशा में एक अपना कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि व्यापार को
चाहते हैं तो हमें लोन बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाता है ऑफशोर बैंक से। तो ऑफशोर बैंक न होता, अगर ऑफशोर बैंक ना होता तो हम पता ही नहीं कहीं होते, मतलब व्यापार के रूप में, हम ट्रेड के रूप में हम मान ही नहीं सकते कि हमें कोई पैसा भी देता हमें ट्रेड करने के लिए। इसलिए ऑफशोर बैंक एक बड़े पैमाने पर, एक बहुत ही बड़े लेवल पर अगर है तभी हम व्यापार की कल्पना कर रहे हैं, अदरवाइज इसके बिना हम बिल्कुल भी ट्रेड को अमेजिंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिना ऑफशोर बैंकिंग हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये, जो ऑफशोर बैंकिंग है उसका एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ऑफशोर बैंकिंग है वो स्विट्जरलैंड में जो स्विस बैंक है वो स्पेशली बेस्ट कंट्री मानी जाती है एसेट प्रोटेक्शन के लिए एंड सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट जो है वो केमैन आइलैंड है, जो कि हम द्वीप बोल सकते हैं, वो द्वीप है, वो टैक्स बेनिफिट के लिए है, ये समुद्री एरिया में है इसलिए इसे आइलैंड बोला जाता है, CAYMAN केमैन आइलैंड, जो कि बेस्ट कंट्री फॉर टैक्स बेनिफिट है। जर्सी है, जर्सेनी है, इसले ऑफ मैन है, ISLE इसले ऑफ मैन, नेविस है जो कि स्पेशली मतलब बेस्ट कंट्री फॉर द कंपनीज के लिए जो बेस्ट कंट्री है वो है नेविस, NEVIS नेविस। हांगकांग है जहाँ पर स्विस ये ऑफशोर बैंकिंग है, ये सारे देशों के नाम है जहाँ पर ऑफशोर बैंकिंग है। एक है पामा जो है वो सेंट्रल अमेरिका में है, और सबसे बड़ी चीज़ पामा की ये है, PHAMA पामा। तो वहाँ पर क्या है, जो अमिताभ बच्चन है उनका भी केस चल रहा है कि उन्होंने ऑफशोर बैंकिंग में पैसे डिपॉजिट करवा रखे हैं और उनके पास ये पैसे उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं इसलिए किए गए हैं, उन पर ये केस चल रहा है। नेक्स्ट जो है वो है सिंगापुर, जो कि बेस्ट कंट्री फॉर वेल्थ माना जाता है, कि वेल्थ में उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। नेक्स्ट जो है वो बिलाइज है, और वो जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट के लिए है, कि उन्हें इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी मिलता है, ठीक है। और अगर मैं आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो वो क्या कहते हैं कि टू टाइप्स ऑफ ऑफशोर बैंक्स होते हैं, मैं आपको नोट्स शो करती हूँ। टू टाइप्स ऑफ ऑफशोर बैंकिंग, जो ऑफशोर बैंक है वो दो तरह के होते हैं, ऑफशोर ब्रांचेस होते हैं एंड ऑफशोर सब्सिडरीज होती हैं, ठीक है। ऑफशोर बैंकिंग जो है वो क्या काम करते हैं, वो डू ऑल एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो एक बैंक करता है, तो इसीलिए वो उनकी ब्रांचेस हैं, ऑफशोर बैंक की ब्रांचेस, वो सारी एक्टिविटी जो बैंक करते हैं, एंड वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, जो उनके लेन देन होते हैं वो करते हैं। जो ऑफशोर सब्सिडरी है वो एक ऑटोनॉमस यूनिट है, और वो सारी एक्टिविटी करती है जो ऑफशोर बैंक करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ वो भी करती हैं, लॉकर फैसिलिटी भी देती हैं। नेक्स्ट जो है वो थ्री टाइप ऑफ सर्विसेज जो कि ऑफशोर बैंकिंग हमें देती है। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन इन यूरो करेंसी, ठीक है, जो यूरो करेंसी में इंडियन जो यूरो करेंसी है उसी में ही हम क्या है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम डॉलर में कर सकते हैं, पौंड में कर सकते हैं, लेकिन हम इंडियन करेंसी में नहीं कर सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है वो ट्रांजैक्शन यूरो में होती है, उसके बाद डॉलर एंड पौंड में होती है, डॉलर एंड पौंड में बाद में, सबसे पहले यूरो में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, इससे रिस्क बहुत कम हो जाता है, कि अगर किसी भी कंट्री के पास मनी की डेफिशिएंसी होती है तो ऑफशोर बैंकिंग अकाउंट से हम लोन ले सकते हैं, जो बैंक ऑफशोर बैंक है वो हमें लोन प्रोवाइड करता है, हमें इनकरेज करता है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड करो, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी बैलेंस करता है। नेक्स्ट जो है वो यूरो बॉन्ड इशू जारी करता है, यूरो बॉन्ड, ठीक है। जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो क्वेश्चंस आ सकता है कि इंडियन फर्स्ट ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वो सेबी का था एट अंधेरी ईस्ट मुंबई ऑन 17 जुलाई 2003, ठीक है। तो ये हमारा सारा था ऑफशोर बैंकिंग के बारे में, ऑफशोर बैंकिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, क्या क्या मेन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, एंड एट द लास्ट इसका कंक्लूजन क्या है, हम सारा कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, बिकॉज मुझे यहीं से पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है नहीं, तभी मैं इसी में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, तो आप कमेंट करके मुझसे उस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।